मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई नो बहुत दिन से व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, उसका रीज़न आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो ऑलरेडी। नहीं मन था और ऐसा नहीं है बीच में कोशिश नहीं करी, बट नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद बाबा जी का हुआ, फिर मतलब तब तो फिर उसके बाद हम लोग यस सीकर गए, वो वाला व्लॉग आप लोग देख चुके होंगे। एक दो व्लॉग्स मेरे काफ़ी पहले के भी हैं जो मुझे लगाने थे बट मैं नहीं लगा पाई, डेफिनेटली वो भी मैं लगाऊंगी। उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, फीवर एंड कफ हो गया था। फीवर तो एक दो दिन ही था, कफ है। और आवाज़ से शायद आपको पता चल रहा होगा, आई एम सॉरी कि आवाज़ अगर थोड़ी ठीक ना है। तो फिर मैंने सोचा, मैंने ना बहुत सारी चीज़ें सोची हुई थी बट वही है कि मेरे तो जो मैं प्लान करती हूँ उस अकॉर्डिंग होता ही नहीं है। आप लोगों के लिए बहुत जल्दी बहुत एक इंटरेस्टिंग हॉल आने वाला है। कोई पेड हॉल नहीं है, वो पूरा पूरा मैंने अपनी हिसाब से शॉपिंग करी है, तो आप बिल्कुल उसको कंसीडर कर सकते हैं, उससे रेफरेंस ले सकते हैं। सब कुछ मेरी हार्ड अर्न मनी से मैंने ख़रीदा है, बिकॉज़ गर्मी आ गई है तो थोड़ा सा कलेक्शन चेंज करने की ज़रूरत थी। एनीवेज अभी दोपहर हो रही है, मैंने काफ़ी कुछ काम कर लिया है। फ्रिज वगैरह मुझे जैसे साफ़ करनी थी, क्योंकि इतने दिन से बार बार ऐसा हो रहा था ना, गोवा गए फिर तबीयत ठीक नहीं थी, फिर बाबा जी का हो गया तो फिर सरेरुला लगाना हो रहा था। हेलो हेलो सो फ्रिज साफ करनी रह जा रही थी, उस वजह से डीफ्रोज तो मैंने पहले कर दी थी, फ्रिज साफ करी है। फिर किचन के अंदर कुछ कुछ सामान वगैरह मुझे लगाना था। कंट्री डिलाइट से मैं मंगा रही हूँ फ्रेंड्स, आप भी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मैंने पल्सेस मंगाई है एक दो, और पोहा मंगाया है। वेजिटेबल्स वगैरह तो हम मंगाते ही रहते हैं कंट्री डिलाइट से, काफ़ी फ्रेश आते हैं और काफ़ी दिन तक चल रहे हैं। एंड उसके बाद अब मैं जा रही हूँ थोड़ा बहुत खाना बनाने के लिए। खाना बनाने के बाद मुझे कपड़े समेटने हैं। एंड आई डोंट नो अगर अब उस व्लॉग पे आ पाया नहीं आ पाया, अलग से वीडियो डालूंगी मैं। यस, ड्राइंग रूम का थोड़ा सा मैंने करना है मेकओवर, जैसे कि मैंने बताया एक हॉल आने वाला है, साथ ही साथ मैं इसको भी प्लान कर रही थी बहुत टाइम से, क्योंकि अभी हमें दो ढाई साल हो गए, ढाई साल से ऊपर हो गया, इनफैक्ट ढाई साल हो गए इस सेटिंग में रहते रहते। एंड मुझे हर थोड़े टाइम में लगता है अरे थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर लो, अभी बहुत सारी बातें कर ली है, मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। खाने में मैं आज सोच रही हूँ नारियल और आंवले की चटनी बना देती हूँ, थोड़ी हेल्दी रहेगी। प्लस में सोयाबीन चंक्स मैंने भिगो के रख दिए हैं ऑलरेडी, उसको वेजिटेबल की तरह उसको ड्राई सोयाबीन कुक कर लेती हूँ, मतलब उसको सोयाबीन चंक्स को ना ड्राई विदाउट ग्रेवी, मतलब ड्राई मैं बनाने की सोच रही हूँ आज। थोड़ा सा सोया सॉस वगैरह डाल के थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा और हेल्दी भी हो जाएगा, हाई प्रोटीन डाइट है क्योंकि। और उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे, बाय बाय। हाय फ्रेंड्स, आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो आप लोगों को दिखाने वाली थी ड्राइंग रूम का मेकओवर, बट एक्चुअली मैंने अभी अपनी लिस्ट में देखा, जो भी मैंने ऑर्डर किया हुआ था सामान उसमें से एक कुशन कवर नहीं आया है एंड वो डिलीवर्ड दिखा रहे हैं। तो हमने कंप्लेंट डाली, अब वो डिस्पैच होगा फिर वो आएगा। खैर जब भी आएगा उसके बाद ही मैं वो मेकओवर आप लोगों को दिखा पाऊँगी, सो उसके लिए आपको थोड़ा सा आई थिंक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आज ऑफ था। एंड मैं सोच रही हूँ अब जितने काम निपट सकते हैं निपटा देते हैं, तो मैंने सोचा कि बाहर से मुझे ना थोड़े से स्लीपर्स लाने हैं एक दो, अभी जो मेरे डेली वेयर वाले स्लीपर्स हैं वो ऑलमोस्ट सब खराब हो गए हैं, दो साल से ऑलमोस्ट वही चल रहे थे। और मेरे को जो बेस्ट एकदम सूट करते हैं ना फ्लैट फुट में, वो बाटा के ही करते हैं, बाटा आसपास नहीं है तो मॉल वॉल जाते हैं, यहाँ पे जो पास में वेगस मॉल है उसके अंदर बाटा भी है। तो एक दो चीज़ और पेंडिंग है काफ़ी टाइम से कि लेनी है, देखते हैं वहाँ जाके अगर पसंद आएगा तो ले लेंगे। सो अभी मैं हो गई हूँ रेडी और अब हम बस निकलते हैं, फिर मैं डायरेक्टली आपको वहीं पे मिलती हूँ। जल्दी आओ, आ जाओ कैब आ गई। अभी शूज भी पहन लिया। अरे कौन से शूज पहने, मुझे निकले हुए ये दूसरे हैं, दूसरे
टैन वाले पहलू। पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे और अंदर चल के मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक्चुअली हमें यहाँ आना क्यों पड़ा। ऐसे जल्दी जल्दी में कोई प्लान नहीं था फिर। लग रही है बहुत जोरों से भूख, तो पहले खाने पे टूटते और उसके बाद तो मुझे सारी शॉपिंग। ट्रेनिंग ठीक जा रही है, इसका मतलब ये है। बस मैं बीच में ना ऐसे ऐसे चेक करती रहती हूँ, भले ही पैसे खर्च कराऊँ ना कराऊँ, कि ट्रेनिंग ठीक जा रही है नहीं जा रही है। ये टिप है सभी मेरी फीमेल जो भी फैमिली का पार्ट है उनके लिए, कि ऐसे बीच बीच में ना पति से पूछते रहो या अपने पार्टनर से ऐसे पूछते रहो, जिससे जगे रहे हो, सोए ना जब भाग जाओ तो। हाँ खाना खाने चलते हैं भले। अरे वाह नाइस। Get tangled in love sure. and spend lots of money. Nice. अच्छा ये तो। I'm very excited for the shopping. आप लोगों के लिए भी surprise है कि actually आज हम यहाँ क्यों आए हैं, तो vlog में बने रहिएगा, बीच में से skip मत। और ये हमारा Vegas का food court जो कि कभी भी खाली नहीं होता, कभी भी नहीं होता है। Restaurants में भी space नहीं होती proper. देखते हैं आज कुछ अलग सा खाने का मन कर रहा है, देखते क्या खाते हैं। और ये रहा हमारा अलग सा ऑप्शन डोमिनोज, क्योंकि आज देख के फिर मन कर गया पिज़्ज़ा खाने का, तो इसलिए खाने वाले हैं हम पिज़्ज़ा। और आ गया हमारा पिज़्ज़ा, बड़ा ही टेस्टी सा है, मैंने एक्स्ट्रा चीज़ वाला मंगाया है आज। फ्रेंड्स उसके बाद हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन पे आ गए हैं बाटा। मैंने बहुत जगह के चप्पलें ट्राई करी हैं, बट मेरा क्योंकि फ्लैट फुट है मुझे और कोई चप्पलें सूट ही नहीं करती हैं। कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा आया हुआ था, तो देखते हैं जल्दी से आज हमें क्या क्या पसंद आता है क्या क्या नहीं। उसको बोलो इसमें मेरे साइज में निकाल के दिखा। इसमें ना एक पता है ये आंटी टाइप्स लगेगा क्या, थोड़ा पहन के देखो ये वाला एक बारी है, क्योंकि ये गोल्डन कितनी। मैं मंगा लेती हूँ बाकी एक ही वाली पहन लेती हूँ। तो ये वाली स्लीपर्स मैंने शॉर्टलिस्ट कर ली हैं। एक तो फ्रेंड्स मुझे ये वाली पसंद आ रही है, क्योंकि ये इंडियन वेस्टर्न दोनों पे चलेगी, साड़ी सूट सब पे चलेगी और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप लोग बताइएगा ये मुझे सूट कर रही है या नहीं कर रही। कलर भी मुझे काफ़ी प्रेटी लग रहा है। एक मैंने ये वाली देखी है जो मुझे पसंद आ रही है, मुझे लग रहा है आई थिंक मैं ले सकती हूँ। हाँ चेक करो, गुड गुड हस्बैंड, चेक करो चेक करो, सी हाँ ले लिए। ठीक है तो मैं यही दोनों फाइनल कर लूँ। ठीक है कैरेट ग्रीन बंद हो गया, कैरेट वाइन बंद हो गया। और बस तो फिर क्या था, एक बारी हम शॉपिंग करके बाहर क्या निकले, मुझे और भी शॉपिंग करनी थी। बस हम पूरा टाइम सारे स्टोर्स को बंद होते हुए ही देख रहे थे। मैंने फर्स्ट टाइम मॉल के अंदर सारे स्टोर्स कैसे बंद होते हैं वो एक्सपीरियंस किया, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के दोनों गए थे। एंड दो तीन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे लेनी थी, बट हिमांशु का लक काफ़ी काफ़ी अच्छा था उस दिन, क्योंकि सारे स्टोर्स आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ हमें जाना था मोस्टली बंद हो गया था। एंड में हम यहाँ आए थे बट मुझे यहाँ बिल्कुल भी कुछ भी पसंद नहीं आया, तो यहाँ पे भी आना बेकार ही हो गया। उसके बाद ये पागलों वाली मेरी मस्ती चालू हो गई है, मुझे गुस्सा भी आ रहा था, मुझे ना इतना ऐसे हो रहा था, बुरा भी लग रहा था कि शॉपिंग फाइनली करने आए थे जो इतने टाइम से पेंडिंग सामान था और फिर वो ले भी नहीं पा रहे, तो मैं स्टूपिड सी हरकतें कर रही थी। तो ये मानसी शूट कर रहे थे क्योंकि हम एक्चुअली बाहर जाने का वेट कर रहे थे कैब का। आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा कि किसी ने मॉल में इतनी सारी शॉप्स क्लोज होते हुए देखी है कि नहीं। प्लीज़ आई रियली वॉन्ट टू नो, टेल मी इन कमेंट सेक्शन। और ये जो आप रंगोली देख रहे हैं फूलों की, ये एक्चुअली स्पेशल स्कूल के बच्चों ने बनाई थी, यहाँ पे लोग खड़े भी थे और फिर मैंने कहा चलो यार अब आइसक्रीम ही खा लेते हैं मूड ठीक करने के लिए। और मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगी व्लॉग में कि एक्चुअली हमें क्या ख़रीदना था जिस वजह से मेरा मूड ऑफ हो गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, तो उसके लिए व्लॉग को देखते रहिए। हमें एक्चुअली हम पहले दूसरे ऑटो वाले ने हमें अप्रोच किया था और फिर दूसरे।
सो आइसक्रीम खाते हैं और आपसे ले जाके मिलते हैं। बाय बाय। आपकी किसी नॉर्मल बेची लग रही है मेरी अच्छी है आपने बनाया ये आदमी मेरी आइसक्रीम को मेरी आइसक्रीम क्यों खा रहे हो तुम्हें नहीं खानी चाहिए अच्छा मुझे नहीं यार कितने चलाओ बहुत जल्दी जल्दी खा रहे हो मेरी सॉरी आइसक्रीम प्लीज दे दो अपनी खाओ तुम्हारी अच्छी आई नहीं निकली मेरी क्या गलती है लो मैं भी आइसक्रीम दो यार पूरी खत्म कर दिया देखो सब लोग देखो कितनी सारी आइसक्रीम चुराली मार चले सो यस आ गए हैं घर और पीछे पानी चल रहा है ग्रीन टी का ग्रीन टी पियेंगे पता नहीं कुछ होता ही नहीं होता बट इस बहाने गर्म पानी चला जाएगा मैं तो वैसे भी ज़्यादातर गर्म पानी पी रही हूँ जब से गला ख़राब हुआ है और उसके बाद थोड़ा सा वॉक करेंगे चेंज करेंगे सोएंगे तक थक रहे बिकॉज कल अगेन दोनों को ऑफिस जाना है। थैंक यू सो मच आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो बहुत बड़ा नहीं था बट फिर भी क्योंकि आप लोगों को पसंद है मेरे ब्लॉग्स देखना तो मैंने सोचा कि कोशिश करूँ ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग्स बना सकूँ ऐसे भी बहुत ज़्यादा गैप हो गया है बीच में नहीं बना पा रही थी और आप लोगों के टच में रहूँ क्योंकि मुझे भी यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना और आप लोगों के साथ अपनी हर छोटी मोटी खुशी सब कुछ शेयर करना। आप लोग प्यारे इतना मुझे दे रहे हैं थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके विश है आप कर सकते हैं। अभी तक प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही जल्दी हॉल और आपको ये मेकओवर ये सब वीडियोस दिखने वाले हैं तो स्टे ट्यून वेट करिएगा और अगर बेल आइकन पे आप प्रेस कर देंगे तो आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।